हाल ही में अवेंजर 4 मूवी के सेट से कई नई इमेजेस सामने आई हैं, जिनमें हमें अवेंजर 1 वाले फाइट सीन के कुछ सीन दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही इमेजेस एक्सप्लेन करने वाले हैं। दिस इज एच के एंड यू आर वॉचिंग कॉमिक टू मूवी, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले नजर आने वाली कोई चीज है तो वो है एंटमैन, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के हाथ में बंधी हुई चीज। तो ये चीज या कहीं डिवाइस की दो थ्योरी सामने आई हैं। फर्स्ट, टाइम स्टोन रिलेटेड। जैसा कि हमने न्यूज और फोटोज देखकर पता चला है कि हमें अवेंजर 4 में बहुत टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा, तो जाहिर ही है कि ये टाइम ट्रैवल टाइम स्टोन से होगा। तो हो सकता है कि ये डिवाइस टाइम स्टोन रिलेटेड हो, जिससे कि टाइम को कंट्रोल करना आसान होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसी डिवाइस से हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिले। तो दोनों ही बातों में ये डिवाइस इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कंबाइनिंग टू यूनिवर्स। जैसा कि आप जानती हैं कि हाल ही में डिज्नी ने फॉक्स खरीद लिया है, जिससे कि ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में हमें एक्समैन और अवेंजर क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्रॉसओवर का इस डिवाइस से क्या लेना देना है। तो लेना देना है, क्योंकि हाल ही में डेडपुल 2 के सेट की कुछ इमेजेस सामने आई हैं, जिसमें हमें केबल के हाथ में भी ऐसा ही सिमिलर डिवाइस देखने को मिला है। लेकिन शायद ये दो डिवाइस सिमिलर ना भी हों, क्योंकि केबल का एक हाथ लोहे का है और उस पर अभी CGI होना बाकी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर फैंस और फैन थ्योरी की माने तो उनका मानना है कि ये दोनों यूनिवर्सों को कंबाइन करने वाला डिवाइस भी हो सकता है। और ये बात भी जानने वाली है कि केबल भी बहुत टाइम ट्रैवल करता है, तो शायद ये डिवाइस दोनों यूनिवर्सों को जोड़ने वाला हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब जो दूसरी चीज़ इन इमेजेस में है तो वो है कैप्टन का पुराना सूट में होना और बाकी करेक्टर्स का नए सूट में होना। इन सभी को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे कैप्टन मारे जाएंगे, इसीलिए बाकी सुपर हीरोज उन्हें पास्ट में लेने आएंगे। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि कैप्टन की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई, क्योंकि कैप्टन एक अच्छे लीडर हैं और वो ही सही गलत के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं आने वाली जनरेशन और हीरोज को। तीसरी बात जो नज़र आ रही है वो है एंटमैन का पास्ट में जाना। तो ये बात तो साफ होती है कि एंटमैन का इम्पोर्टेंट रोल होगा और साथ में अवेंजर इन्फिनिटी के बाद एंटमैन और वास्प मूवी आने वाली है, और उस मूवी के डायरेक्टर का कहना है कि एंटमैन मूवी में दिखाया गया रोल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आने वाली मूवी में तो शायद एंटमैन इसलिए पास्ट में आया होगा कि ताकि वो उस रोल की कुछ और बातें जान सके। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने इन फोटो से नोट की। अगर आपको कोई नई जानकारी पता है या फिर आपको कोई और फैक्ट पता है इन्फिनिटी वार या फिर अवेंजर 4 के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब किए करें कॉमिक टू मूवी बाय HK को। थैंक यू गाइज, दिस इज HK साइनिंग ऑफ।